हेलो गैस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैरम पूल का अनलिमिटेड कॉइन्स एंड जम स्टिक। उससे पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि ये सिर्फ फन के लिए है, यानी कि मज़े के लिए है। आपको इसे सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि ये जो अनलिमिटेड कॉइन्स एंड जम्स है ये सिर्फ टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। यार, मैं आपको चीट नहीं करना चाहता हूँ। आप चाहे तो मेरे थंबनेल पर भी जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैंने कोई भी क्लिकबेट नहीं किया है और वहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है कि ये सिर्फ फन के लिए है। तो गैस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले आपको गेम गार्डन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर सिंपली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि गेम गार्डन एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल एंड सेटअप करना है, तो गैस उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर सिंपली उस वीडियो को देख सकते हो। गेम गार्डन को इंस्टॉल एंड सेटअप करने के बाद आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी आपको कैरम पूल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको गेम गार्डन का जो फ्लोटिंग आइकॉन है आपको सिंपली उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। आपको सिंपली कैरम पूल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपके पास जितने भी कॉइन्स हैं यहाँ पर आपको उसका वैल्यू एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको टाइप डीवर्ड करके सेलेक्ट करना है। तो गाइस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि द वैल्यू इज़ एनक्रिप्टेड वाले ऑप्शन को आपको एनेबल कर देना है, यानी कि इसे ऑन कर देना है, तभी ये ट्रिक वर्क करेगा, नहीं तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगा। अभी यहाँ पर आपको कॉइन्स का जो वैल्यू है आपको इंक्रीज़ करना है या फिर आपको डिक्रीज़ करना है। इस वीडियो में मैं आपको डिक्रीज़ करके दिखाने वाला हूँ, वो भी गेम लीव करके। तो गाइस, कॉइन्स डिक्रीज़ करने के लिए आपको हर बार पैरिस मैच ही खेलना है। तो गाइस, जब भी आप मैच एंटर कर लेते हो तो आपको सिंपली लीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और लीव हो जाना है उस गेम से। यहाँ पर वैल्यूज जो है वो 3 या फिर उससे नीचे आने तक आपको इसको ट्राई करते रहना है। जब भी आप कोई भी गेम लीव करते हो तो यहाँ पर आपको अपडेटेड वैल्यू एंटर करना है आपका कॉइन्स का। तो गाइस, यहाँ पर मैं 200 कम हो गया मेरे कॉइन्स है और यहाँ पर मैं अपडेटेड वैल्यू एंटर कर चुका हूँ। आपको इसी तरह ट्राई करना है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, 3 या फिर उससे नीचे वैल्यूज आने तक आपको इसे ट्राई करते ही रहना है। यहाँ पर मैं इस वीडियो को थोड़ा स्किप करने वाला हूँ, क्योंकि आपका टाइम बच जाए और यहाँ पर मैं सिर्फ अपडेटेड वैल्यूज ही एंटर करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर फाइनली हमारा वैल्यूज 3 के नीचे आ चुका है। अभी आपको सिंपली 3 लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडिट सेलेक्टेड वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो वैल्यू चाहिए वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ 9999। तो गाइस, आपको 8 वैल्यूज़ के ऊपर एंटर नहीं करना है। अगर आप 8 वैल्यूज़ के ऊपर एंटर करते हो तो ये एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कॉइन्स अभी भी हैक नहीं हुआ है। आपको हैक करने के लिए आपको सिंपली प्ले डिस्क पुल ऑप्शन पर टैप करना है, बस आपको टैप करना है। बूम गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कॉइन्स हैक हो चुका है। और यहाँ पर आप लकी शॉट के नीचे टाइमर भी चेक कर सकते हो, ये एकदम जेन्यून है। आप इसी तरह जेम्स को भी हैक कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मेरे पास कॉइन्स 1,50,000 के ऊपर था तब मुंबई ओपन हो रहा था, अभी सीधा सिंगापुर प्लाजा ओपन हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं खेल सकते हो। तो गाइस, एक ज़माने में कैरम पूल का अनलिमिटेड कॉइन्स एंड जम्स का मॉड एपी के बनता था, अभी सिर्फ एम हैक ही देखने को मिल रहा है। अगर आपको कैरम पूल का एम हैक चाहिए तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर सिंपली उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको सच में कैरम पूल का अनलिमिटेड कॉइन्स एंड जम्स चाहिए तो फिलहाल तो प्रीमियम पास का ग्लिच चल रहा है, आप उस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं।
तो गाइस दूसरा ट्रिक ये है कि आपको पहले गूगल प्ले स्टोर से कैरम पूल का प्रीमियम पास परचेस करना है, उसके बाद आपको रिफंड कर देना है। रिफंड करते समय अगर आपको रीज़न पूछ रहा है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। मेरे ख्याल से 5 या 6 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।